Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. What do divine masculines feel in bubble phase? Bubble love phase को twin flame journey में initial encounter phase कह सकते हैं, जहां दोनों twin flames में से किसी एक को भी पता नहीं होता कि वो किसी divine connection में है, जहां दोनों ही ट्विन फ्लेम नेचुरली एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट फील करते हैं। तब तक तो एक तरह से सब ठीक चल रहा होता है, कहीं कोई शक नहीं, कुछ अनजाना डर नहीं, एक दूसरे में मगन। ओके, जब तक दोनों सेपरेटेड नहीं होते तब तक तो जैसे ना दुनिया की फिक्र और ना तो दोनों में से कोई एक ट्विन फ्लेम ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। इट इज अंटिल दे सेपरेटेड दैट दे बोथ स्टार्टेड लुकिंग फॉर आंसर्स टू फिगर आउट व्हाट वाज हैपनिंग। यहां कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूं जिनसे आप डीएम के माइंडसेट को जान पाएंगे बबल लव फेज के दौरान, और अगर आप सेपरेशन में है तो भी आप बबल लव फेज कभी भूल नहीं सकते। उसको आप देखिए, जानिए क्या कुछ वहां पे हुआ था और इससे आपकी मैचिंग हो रही है कि नहीं। अब जो मैं पॉइंट्स बताने जा रही हूं, तो कुछ पॉइंट्स यहां पे मैं रेडी की हूं आप लोगों को समझाने के लिए। पॉइंट नंबर 1, इंटेंस आई कॉन्टेक्ट के टाइम, और ये आई कॉन्टेक्ट दोनों ही ट्विन फ्लेम कई बार करते हैं। दोनों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के आंखों में देखकर समझ में आ जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अपने ट्विन फ्लेम की आंखों में देखकर जान लेते हैं कि आप किस इमोशन से गुजर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, बबल फेज में डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने फेमिनिन की जितनी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उतना शायद ही कभी करते हों। तुम ऐसी हो, तुम क्वीन हो, हमारा रिश्ता फेरी टेल जैसा लगता है, तुम जैसी कोई नहीं, या तुम जैसे कोई नहीं, जैसा आपका जेंडर होगा उस अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 3, डिवाइन मैस्कुलिन्स बबल फेज में क्या फील करते हैं? एनर्जेटिक मर्जिंग इज अनदर साइन दैट बोथ ऑफ ट्विन फ्लेम्स फील व्हेन दे आर इन अ बबल फेज। आप दोनों को ही एनर्जीज का मूवमेंट फील होता रहेगा और इसे आप रोक नहीं पाएंगे। यू ऑल्सो कैन सी हिज और हर फेस व्हेन यू क्लोज योर आईज, और आप दोनों को लगेगा जैसे आप एक दूसरे के साथ हो। पॉइंट नंबर 4, बबल फेज में दोनों ही ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं। जब आप सैड होंगे तो आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी सैड होगी, और अगर आपके ट्विन फ्लेम कुछ ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। कभी कभी आप और आपके ट्विन फ्लेम कुछ ना बोलकर भी बहुत बातें कर पाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होती है अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ, और उन सारी फीलिंग्स को शेयर करते हैं जो उन्होंने अनसेड रख दिया, जो वो कह नहीं पाए या कहना चाह रहे थे, या अगर वो डिटेल्स में नहीं कह पाए, यू नो, थोड़ा बहुत हिंट किया ऐसा। पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ फीलिंग डिवाइन मैस्कुलिन्स की बबल फेज में रहकर ये होती है कि सेपरेशन फेज की कैसे इनिशिएटिव लें। यस, आपने सही सुना, बाय डिवाइनल प्लान डिवाइन मस्कुलिन हैज टू सेट द पेस टू द सेपरेशन फेज। जब आप दोनों बबल फेज में होते हैं तो ना जाने कितने प्लान्स आप दोनों ने बनाए होंगे, जैसे आप दोनों मिलकर शादी करेंगे, घर बसाएंगे, सतरंगी सपने सजाएंगे, और कहीं अगर आप मैरिड हैं अपने स्पाउस से तो कैसे आप अपने हस्बैंड या वाइफ को ये सब बता पाएंगे, या फिर जब तक छुपा पाए तब तक छिपाते रहेंगे। मतलब आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज
कर ही रहे होते हैं इन सब सिचुएशंस को, तभी आपके सपनों के प्लान की पेंटिंग पर डिवाइन एक बाल्टी पानी डाल देते हैं और आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है। और ये सब अंडर द डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। अब इसी बबल फेज में डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कई सारे क्लूज दिए जाते हैं जिन्हें आपको अच्छे से सुनना और समझना होता है और उन पर वर्क करना भी होता है। आप अगर अटेंशन देंगे तो आपको पता चल पाता है कि किस इश्यूज पर आपको हीलिंग करनी होगी। यू इंस्पायर ईच अदर टू बी योर बेस्ट वर्जन। बबल फेज में रहकर ही आपके डीएम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए सेपरेशन को अंजाम देते हैं। बबल फेज में डीएम को ये स्टेप आपको अपने ऊपर वर्क करने का इंडिकेशन देता है, मोटिवेशन देता है। बबल फेज में रहकर आप दोनों ही ट्विन को आभास हो जाएगा, यू नो इन योर सोल लेवल दैट यू विल रीयूनाइट और डाई ट्राइंग मूव माउंटेन्स। आप दोनों की हायर सेल्फ जानती है कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं और यही रीजन होता है कि आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करके जिस इशू पर वर्क करना चाहिए उस पर वर्क करते भी हैं। हमें कोई और नहीं बदल सकता सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को छोड़कर इस जहां में, इस जहां के सारे पर्सन में, किसी भी पर्सन में ये ताकत नहीं कि आपको हमको उतना बदल दे जो हमें हमारे ट्विन बदल देते हैं। एंड व्हेन यू रिट्रेस द इवेंट्स ऑफ योर ट्विन फ्लेम अवेकनिंग प्रोसेस यू रियलाइज दैट यू हैव द मैप टू नेविगेट दिस जर्नी। तो बबल फेज न सिर्फ आप दोनों को और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के लिए एक क्या फीलिंग आपको क्या होती है तो आपको पता ही है। फीलिंग बबल फेज में डिवाइन मैस्कुलिन की क्या होती है, ये वीडियो का टॉपिक था आज मेरा। होपफुली आप लोगों ने इसको समझा और मैं थोड़ा गाइड कर पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और कल के लिए जो कुछ बताया था कल के वीडियो में उसको फॉलो करिएगा, एज टुमारो इज लूनर एक्लिप्स और साथ ही फुल मून भी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी माय डियर सोल ब्रदर, माय डियर सोल सिस्टर। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।